लेकिन मेरी सुबह कब होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आएगा हूँ मस्त सा रिजॉर्ट अपने, अभी तुम अगले एक साल में देखो मैं जहाँ रहूँगा ना, जिस जगह में मैं रहने मतलब अपना गांव को जिस तरीके से मैं डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, आपका मन करेगा वहाँ पर आने का। मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ है क्योंकि अभी पूजा अर्चना हो रही है और मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ था, तो मेरे यहाँ पर कुछ ग्राफिक कह रहा है कि स्टूडेंट जो ट्रेडर हैं तो काफ़ी मेरे को यहाँ पर अपने भाई लोग भी मिले। हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल सभी के, आई होप आप वीकेंड में मौज काट रहे होंगे। भाई तुम्हारा भाई तो गाड़ी पकड़ी, मैंने कहा था मैं निकल रहा हूँ लास्ट व्लॉग में, गाड़ी पकड़ी और मैं निकल गया कहीं। तुम कमेंट करके बताना मैं कहाँ हूँ, मैं बस तुम्हें दिखाऊंगा बस, ठीक है। तो भाई मैं अभी मैं नंगा नहीं हूँ, मैंने लोअर पहनी हुई है, मतलब मैं नहा धो के आ रहा हूँ, इतनी ठंड में मैं सुबह सुबह नहा लिया। लेकिन मेरी सुबह कब होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आएगा हूँ मस्त सा रिजॉर्ट अपना एक, और देखो ये है पूरा। अरे देखो वहाँ कुछ छोटा सा कुत्ता भी है, देखो ओ, तो भाई ये अपनी गड्डी है खड़ी यहाँ पे, देखो उसके वहाँ पे भी कुत्ता है, थे क्या मस्त है, छोटे छोटे बच्चे, मजा आएगा वाला इधर। तो मैं भी आया हूँ और सामने एक नदी है जो कि उधर से गंगा में मिलेगी, है ना। ये उस ये मतलब इस एरिया का जहाँ पे मेन है, मेन का थोड़ा साइड है, इस साइड में सारे रिजॉर्ट वगैरह हैं, तो इसका पूरा बाहर का एरिया देखो आप, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा एरिया है, कैंपिंग वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इधर आया, मैं काफ़ी टाइम से आया नहीं था तो मैं इधर आ गया घूमने के लिए, ठीक है। अभी मैं नहा धो लिया हूँ, अब मैं पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर आपको एक्सप्लोर कराता हूँ बढ़िया सी जगह, इस रिजॉर्ट को भी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। तो दोस्तों अभी मैं रेडी हो गया, आ चुका हूँ बाहर और मैं आपको पहले पहाड़ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो भाई सुनसान, नेटवर्क ही नहीं है, हमें यहाँ पता है सब कुछ वाईफाई पर चल रहा है, नेटवर्क वगैरह है नहीं, और पूरा का पूरा जो पहाड़ का एरिया है, देखो नदी है सामने, अब ये पता नहीं कौन सी नदी है, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी आके जाके गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। तो एरिया बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको यहाँ से टूर कराता हूँ। ये देखो ये है रिजॉर्ट, अभी वीरान जंगल है भाई। मैं रात को मतलब मुझे ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे इसको जगह को ढूंढते ढूंढते, जिसके लिए मैंने ढूंढा था उसमें भैंक फुल सारे रिजॉर्ट फुल हैं यहाँ पर सारे, पता नहीं कौन सा सीज़न चल रहा है भाई, एक रिजॉर्ट में मुझे जगह नहीं मिली। वो तो अच्छा इसमें था, इसमें भी ऑलमोस्ट फुल थे, एक लास्ट कॉटेज बचा हुआ था ऊपर वाला है मेरा, है ना। और इसकी आउटडोर एरिया भी काफ़ी बड़ा है, मैं आपको अभी और दिखाता हूँ, देखो पूल दिखाता हूँ। अब अभी तुम लोग कहोगे भाई भाई यार तुम नो नेटवर्क जोन में क्या फ़ायदा, इतना पैसा खर्च करके घूमे नो नेटवर्क जोन में, भाई यही तो मौज है, यही तो मज़ा है। अभी तुम अगले एक साल में देखो मैं जहाँ रहूँगा ना, जिस जगह में मैं रहने मतलब अपना गाँव को जिस तरीके से मैं डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, भाई आपका मन करेगा वहाँ पर आने का। मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग देखेंगे ना उस जगह को आप, और भाई ये तो ये जो जगह देख रही है ना, कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है, मेरे को सिर्फ वहाँ पर इस तरीके के 2-3 कॉटेज अपने निकालने पर्सनल, उसके बाद देखो ऑलमोस्ट ऐसे मैं अगर कहूँ ना ऐसे इससे बड़ी लैंड हो जाएगी अगर मैं पूरी लैंड गाँव की एक ही साथ में कर दूँ तो। ऐसी जगह में ये फ़ायदा होता है कि भाई अगर आप स्ट्रेसफुल कोई भी काम कर रहे हो तो आपको वीकेंड में थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क से दूर, इतने सारे लफड़ों से दूर, टेंशन बाजी कचकच से दूर अपना एक पर्सनल टाइम निकालना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे घूमता रहता हूँ, ठीक है। वीकेंड में निकल जाता हूँ क्योंकि भाई हम मंडे टू फ्राइडे हम पूरा अपने आप को घिस रहे हैं, है ना, मतलब दिमाग को घिस रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत काम करते हैं, मतलब काम पर काम, खुद के लिए टाइम ही निकालोगे तो भाई तुम कितना ही कर पाओगे, शरीर को कितना ही चला पाओगे, क्यों। तो अब मैं निकल चुका हूँ अपने रिजॉर्ट से और मैंने ऐसे बुक किया है 2 दिन के लिए, तो अभी मैं निकल चुका हूँ फिलहाल और मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों यहाँ पर देखो बेहिसाब रिजॉर्ट रिजॉर्ट भरे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबके सब फुल होंगे, मतलब ये कह सकते हो 80-90% फुल होंगे। और रास्ता देखो यहाँ का रास्ता इतना बेकार सा, और रिजॉर्ट देखो एक से बढ़कर एक बने हुए हैं, मैं रात को इतने जगह पूछा सब ऑलमोस्ट फुल थे, और वीकेंड चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ जाम भयंकर का, अब देखो तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ ये, और इसमें देख लो क्या रही हो, वो है तुम्हारी राफ्टिंग, भयंकर तरीके की लहरें हैं, है ना, ये देखो ओहो जाम देखो जाम लग गया यहाँ पे, ऐसी सड़क ऐसी पतली पतली सड़क है यहाँ, अरे भाई साहब लहरें। फाइनल दोस्तों 2 घंटे का जो ट्रैफिक है उसको कवर करते हुए मैं आ गया हूँ अपना ब्रिज के पास, आपको ब्रिज दिखाता हूँ कौन सा है। ये देखो ये एक ब्रिज है, यहाँ पर लाइट वाइट लगी रहती है रात को, बहुत ज़बरदस्त लगता है, ब्लू कलर की लाइट, रात को दिखाऊंगा तुम्हें। और यहाँ पर योगा का बड़ा वो है, सब कुछ हर कोई यहाँ पर योगा करने के लिए आ रहा है। अभी अभी मैं जा रहा हूँ राम झूला है कहीं पर इधर, राम झूला के पास,
और वापसी में मैं जाऊंगा लक्ष्मण झूला, क्योंकि लक्ष्मण झूला इधर पीछे है 3 किलोमीटर पीछे। पहले देख लेते हैं यहाँ के कितने अलग अलग तरीके के झूले हैं, उन झूलों के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों इतनी देर पैदल चलने के बाद फाइनली मैं एक कैफे में पहुँचा हूँ, बंद है क्या? दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ के एक टॉप जगह पर, मचान रेस्टोरेंट। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के बाद, ठीक है, अब मैं एक बढ़िया सी जगह पर आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। बाकी यहाँ पर बढ़िया सा मौसम भी ठीक हो रहा है, धूप हल्की हल्की, मतलब हल्का धूप लगना भी स्टार्ट हो गया है। बट रोड में, रास्ते में इतनी भीड़ है, मतलब जो बंदा रोक रहा है, जो बंदा पकड़ रहा है, दिख रहा है भैया राफ्टिंग करोगे, सीज़न चल रहा है, भयंकर लू सीधा, मतलब कोई भी, मैं रास्ते पर गाड़ी पार्क करके मैं ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पैदल चला। 2 किलोमीटर पैदल चलने में आप समझ जाओ मेरे से करीबन 20-25 लोगों ने पूछ दिया होगा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो भाई जब भी आप इधर आते हो ऐसे घूमने उमने, तो अपना या तो रेंट पर स्कूटी कर लो, कहीं गाड़ी होटल वोटल में ही पार्क करके रखो, है ना, या यहाँ के लोकल टैक्सी में घूमो, ठीक है। अभी जैसे ये है, ये आपको गाड़ी में राफ्टिंग वाला जो आपका बोर्ड है उसको छत में रख के गाड़ी में जाता है, लोगों को बैठाएगा और फिर यहाँ से 16 किलोमीटर ऊपर लेके जाएगा, फिर यहीं आके रुकेंगे सब कुछ। चढ़ाया हुआ रोज चढ़ाते होंगे आप, तो इच्छा पूरी हुई? ये तो नहीं रह रहे हैं, हाँ। कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, सही सलामत, हाँ। तो मेहनत कर रहे हो ना कुल मिला के कुल मिला के मेहनत कर रहे हो ना बस तो वही है बात वही पर खत्म हो जाती, ये तो आस्था है। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ राम झूला के ऊपर। बस तो यहाँ पर होने वाली अभी गंगा आरती और गंगा जी की पूजा की जाएगी, और अपने यहाँ पे भोले बाबा भोलेनाथ विराजते हुए, और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चल रही है अभी पूजा अर्चना की। अभी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भीड़ होना स्टार्ट हो गया है, तो देखो दोस्तों अपने जूते तो उतार के रख देता हूँ वहाँ पे, सिक्योर रखने उधर पे, वरना भाई बाहर रखूँगा तो फिर कोई भरोसा नहीं है। जूते भी थोड़ा है ही ठीक ठाक, उधर ही नहीं रहा, यहाँ रखने पड़ेंगे जूते। दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है और तैयारी चल रही है ऑलमोस्ट। यहाँ पर अगर देखोगे तो लोग बयान लग गए हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, क्योंकि अभी पूजा अर्चना हो रही है और मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ था, तो मेरे यहाँ पर कुछ ग्राफिक वगैरह के स्टूडेंट जो ट्रेडर हैं, तो काफ़ी मेरे को यहाँ पर अपने भाई लोग भी मिले जो कि देहरादून से आए हुए हैं ऋषिकेश, क्योंकि इनका वीकेंड चल रहा है वीकेंड में भाई 50-50 किलोमीटर घूमने आए थे, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडर हैं इनका भी टाइम पास नहीं होता, क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हैं, वीकेंड पे घूमने चल रहे थे 50-50 किलोमीटर। चलो भाई, हेलो, नाइस टू मीट यू, चलो भाई बहुत अच्छे हैं इंजॉय करो भाई, हमको पीछे से देखने को नहीं मिल रहा, मैं तुम्हें यहीं से दिखा देता हूँ। हेलो, दोस्तों वहाँ भी देखो, वहाँ भी आरती हो रही है, अब यहाँ पर भी होने वाली है। For the Creator, we will live consciously.